हेलो एवरीवन, दिस इज मी साचा हेयर। मैं आपके लिए लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स। टॉप रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका आपके पर्सन के साथ पैचअप होगा या इज़ इट कम्प्लीटली ओवर। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका ब्रेकअप हो चुका है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा पर्सन का और आपका, और आप जानना चाह रहे हो कि क्या ये आपका जो कनेक्शन था इस इंसान के साथ, क्या ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है या फिर चांसेस हैं कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाए। इस तरह की अगर सिचुएशन में हो तो उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। जस्ट बी माइंडफुल कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट। बाय द वे, इस रीडिंग में मैं साथ में चार्म्स भी ऐड करूंगी। सो लेट्स सी, इज इट ओवर बिटवीन द टू ऑफ यू, यस और नो? लेट्स सी। सेवन ऑफ वांड्स, एट ऑफ वांड्स, द हैंगमैन, एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में चीज़ें जो अभी आपको लग रहा है कि ख़त्म हो चुकी हैं, ब्रेकअप हो चुका है, यू नो, सब कुछ ख़त्म हो गया है, पर्सन मूव ऑन कर चुका है, ये हो गया है, वो हो गया है, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपको करंट 3D रियलिटी दिख रही है उसके अकॉर्डिंगली आपके माइंड में जो भी स्टोरीज बन रही हैं कि क्या ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, इज़ इट कम्प्लीटली ओवर, द आंसर इज़ अ बिग नो। ये जो भी हो रहा है आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ राइट ना, ये होना ही था ऐसे ताकि चीज़ें वैसे हो सके जैसे आप चाहते हो। कहीं ना कहीं ये डिवाइन वे है आपको और आपके पर्सन को प्रिपेयर करने के लिए कि वो शादी की बात करे या शादी को लेकर रेडी हो जाए, या आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर्ड हो उस कनेक्शन के लिए जो कि लास्ट करे फॉरएवर, रादर देन कि आप दोनों साथ में आते हो और एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को लेकर इमेच्योर रहते और चीज़ों को यू नो ऐसी सिचुएशन में डील करते जहाँ पर शायद आप लोगों का बहुत शुरू में ही या तो शादी एंड हो जाती या फिर कनेक्शन एंड हो जाता। सो देयर इज़ अ वे ऑफ गॉड जहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे के जो भी यू नो एक वीकनेसेस हैं और जो भी प्लस पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से डील करने का तरीका आ चुका हो, तब जाकर आपके पर्सन के साथ आपका पैचअप होगा। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत क्लोज हो या आपका लास्ट फेज चल रहा है इस इंसान के साथ जहाँ पर चीज़ें फाइनली शादी की तरफ जाने शुरू हो जाएंगी। सो राइट ना आपके दरमियान में जो भी नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, ब्रेकअप हो चुका है और यू नो जो भी सिचुएशन आपको दिख रही है कि करंटली आप यू नो 3D रियलिटी में आप देख पा रहे हो, इट्स अ प्रोसेस जो किससे जिससे आपको गुजरना है ताकि आप और आपका पर्सन प्रिपेयर हो सको टू हैव द लाइफ दैट यू डिज़ायर विद ईच अदर। सो डेफिनेटली ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है, आपका पर्सन और आपका पैचअप ज़रूर होगा और डिलेज जो हैं दिख रहे हैं, लेकिन अभी चाहे वो जितना आपको कम्प्लीटली अपोजिट सिचुएशन क्यों नहीं लग रही है, इम्पॉसिबल क्यों नहीं लग रहा कि पैचअप हो सकता है, लेकिन पैचअप होगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। थ्री ऑफ वांड्स, टेन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोल्स। और इधर एक वी डू हैव द टावर। और मुझे लगता है कि जो भी आपका पैचअप का जो एनर्जी है वो अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में आएगी। हो सकता है मेजॉरिटी लोग आप में से ऐसे हों जो कि काफ़ी टाइम से ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें वैसी होंगी जैसा आप डिज़ायर करते हो, कब आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा, कब रिकन्सिलिएशन होगा। मुझे लगता है कि आपका जो डिले है वो बेसिकली इसीलिए है क्योंकि आपका जो फियर है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आप अपने फियर को ख़त्म कर दो, सरेंडर कर दो और शायद अगर कोशिश करो तो लव लाइफ के बारे में सोचो ही नहीं। अगर इस तरह की चीज़ें, कोई भी स्टेप्स इनमें से अगर आप लेते हो तो आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ जल्दी आगे बढ़ेगी, ये पर्सन जल्दी कम्युनिकेट करेगा आपसे और शादी की बात करेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो और एज़ यू आर वेटिंग, वाइल यू आर वेटिंग, आपके लिए पॉजिटिव रहना मुश्किल है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए चीज़ें डिले होंगी फर्दर। लेकिन अगर आप गिव अप कर दो, सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो, तो आप बहुत करीब हो के पर्सन आपको प्रपोज करे और आपका पैचअप हो इस इंसान के साथ। प्रपोज की मैं इसकी बात करी क्योंकि मुझे लग रहा है कि आखिरी फेज होगा आप दोनों का, ऑफ के ऑफ फेज जो है वो आखिरी होगा, इसके बाद ऑन होगा और चीज़ें लास्ट करेंगी, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट ओवर, आपके दरमियान में जो भी सिचुएशन है वो अभी बदलेगी, चीज़ें आपके फेवर में, आपके कनेक्शन के फेवर में जाना शुरू होंगी। आपको दिख नहीं रहा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते होगे, लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अनएक्सपेक्टेडली मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन वो एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगा जो कि शायद
हो सकता है 2 दिन पहले ही उसने आपसे कहा हो कि ये मैं ये करने के लिए रेडी नहीं हूँ, या मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं शादी के लिए रेडी नहीं हो सकता. सो वो 2 दिन के अंदर ही वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं. यू नो इट्स गोना बी सो सडन कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे. आपको लग रहा होगा कि अभी तो कुछ महीने शायद ऐसे ही गुजर जाएंगे. यू नो कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि इस तरह से सडनली चीज़ें चेंज होगी कि यू विल बी सरप्राइज टू सी कि अच्छा यू नो ये पर्सन इतनी जल्दी रेडी हो गया है. और यू नो स्पेशली हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ब्रेकअप के बाद बात हो, लाइक काफ़ी टाइम के बाद आपकी बात हो, एंड देन उसके बाद फिर से खामोशी हो जाए. एंड जब वो खामोशी होगी उसके बाद जो नई बात होगी वो शादी की होगी. तो ये भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए. हो सकता है कि अगर आपकी बात रिसेंटली हुई और कॉन्टैक्ट फिर ख़त्म हो गया, तो हो सकता है कि जो आपकी सोच थी रिलेशनशिप को लेकर, फर्दर फ्यूचर में ले जाने को लेकर, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपका पर्सन उस बारे में सोच रहा हो और सोच कर कोई डिसीजन ले रहा हो और फिर वो आपके पास वापस आपको रीच आउट करे. सो उसकी भी पॉसिबिलिटी है. लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए डेफिनेटली इट्स नॉट ओवर. इवन दो कि ये जनरल रीड है, तो मुझे नहीं लगता, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक और आपका ऑन एंड ऑफ साइकिल रहता हो जो कि आपको गो थ्रू करना है. लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत क्लोज हो आपके फाइनल आउटकम के लिए, जो आप डिज़ायर करते हो इस कनेक्शन के लिए. सो डेफिनेटली इट्स नॉट ओवर. लेट्स सी कि करंटली आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, करंटली उसके जहन में क्या है आपको लेकर. लेट्स सी. नॉन कमिटल एटीट्यूड जो मुझे लगता है कि शुरू से ही था, लेकिन उस नॉन कमिटल एटीट्यूड के साथ अपने प्यार का इजहार विद देमसेल्फ, लाइक यू नो एक एक्सेप्टेंस टूवर्ड्स लव जो उनके दिल में आपको लेकर है, तो वो कहीं ना कहीं यू नो अपना वो उस फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर वो नॉन कमिटल से कमिटमेंट की तरफ सोच रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, प्यार क्या है आपके लिए, जो फील कर रहे हैं वो क्या चीज़ है. सो वो एक चेंज, एक शिफ्ट आ रहा है उनके अंदर आपको लेकर. नॉन कमिटल थे हैं लेकिन उनका जो फीलिंग्स है आपको लेकर वो बदल रही हैं, और वो मतलब प्यार में बदल रही हैं बेसिकली. और जो चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वो बहुत मेजर और बहुत स्विफ्ट होगा. आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि कैसे हो गया ये सब. सो वो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली होगा. सो लेट्स सी सम चार्म्स नाउ. पहले चार्म्स ऐड करते हैं, उसके बाद फिर ओरेकल कार्ड्स ऐड कर लेंगे थोड़े से. लेट्स सी के चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर. सो ब्रोकन हार्ट, हो सकता है आपका पर्सन आपको आपसे ज़्यादा मिस कर रहा हो राइट नाउ. आई वॉन्ट टू किस यू, आपका पर्सन आपको किस करना चाहता है. यू जस्ट किल मी विद योर स्माइल, आपकी स्माइल उसके लिए बहुत, यू नो दैट पर्सन फील्स अ लॉट अबाउट योर स्माइल. मुझे लगता है कि आपके पर्सन को शायद फियर है कि आप उसको छोड़ दोगे, आप आगे बढ़ जाओगे अपनी ज़िंदगी में. और मुझे लगता है कि पर्सन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है राइट नाउ गिवन सिचुएशन को लेकर. गुड लक आपके साथ है इस कनेक्शन को लेकर. अगैन मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा यू नो वरिड हो, क्योंकि यू आर सो सेंसिटिव टू द पॉइंट जहाँ पर आपको लग रहा है जैसे यू नो सब कुछ ख़त्म हो गया. यू नो आप यू आर गोइंग सो, जैसे होता है ना कि आपका हार्ट सिंक कर जाना, यू नो उस तरह की चीज़ लग रही है मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे. लेकिन सम हाउ ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा. सो यू डोंट हैव टू गो सो सैड अराउंड इट. अल्फाबेट्स में देखते हैं, हमारे पास है Y, X, U, N, G, B, P और A, और लास्ट पे है बटन. मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है डिवाइन जो कि आपके कनेक्शन को जोड़े रखता है, जो कि अनब्रेकेबल है. और अगेन लाइक आई सेड अर्लियर कि गुड लक जो है वो आपके कनेक्शन के साथ है. सो मुझे नहीं लगता कि देर इज़ एनीथिंग टू वरी अबाउट इट. सो ट्राई टू रिलैक्स, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव. जो भी हो चुका है हो चुका है, उसको आप बदल नहीं सकते. आप अपने एक्सपेक्टेशंस बदल सकते हो, अपने थॉट्स बदल सकते हो, और फिर आपकी रियलिटी बदल सकती है जल्द से जल्द. लेट्स सी कि एक सेकेंड, लेट मी सी ओरेकल कार्ड्स हम कौन से ऐड कर सकते हैं राइट नाउ. इट्स बीन सो लॉन्ग, मैंने ये वाले कार्ड्स नहीं ऐड किए. लेट्स सी, लेट्स सी कि क्या ओरेकल गाइडेंस है राइट नाउ गिवन सिचुएशन में आपके लिए. डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए. We have two cards. So, देखते हैं डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए. सेक्सुअल यूनियन,
Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. मुझे लगता है कि आपके majority लोगों में से आपका connection बहुत ज़्यादा sexual रहा होगा और you have always found peace in each other's arms. और मुझे लगता है कि आपका जो एक pull है towards each other, sexual भी, वो भी आपके connection को काफ़ी उस चीज़ ने काफ़ी strong किया है आपके connection को एक दूसरे के साथ. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. Again, अगर आप चाहो तो आप अपने connection में जो चीज़ें हैं जो change करना चाहते हो वो change कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो, जैसे for instance अगर आपको लगता है कि आपका person non-committal है और इंडिसाइसिव है, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी अगर अंदर झांक कर देखो तो आप भी इंडिसाइसिव हो सकते हो. आपको खुद भी ट्रूली नहीं पता कि आपको क्या चाहिए. कहीं ना कहीं आप इंडिसाइसिव इस तरह से हो सकते हो कि क्या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्या आपको रुकना चाहिए. जब आपके अंदर वो क्लैरिटी और डिसाइसिवनेस आएगा, आपका पर्सन भी वो चीज़ शो करेगा. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर एंड बाय.